पर ही नहीं इन्फॉर्मेशन मिली हमें, बल्कि कल रात को 11 बजे वहीद पुरा से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद मीन वाइल कुछ मिनट के बाद हमें फतेहपुरा और गुजर से भी इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर किसने लिपर को स्पॉट किया है। तो हमारा टीम रात को ही निकला, 11 बजे हम निकले और जहाँ से जितने भी एरिया थे जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली वहाँ हम स्कैन किया, पूरे एरिया को मॉनिटर किया। उस वक्त हमें कोई इसका एविडेंस नहीं मिला, ना डायरेक्टली इसको देखा हमने, ना कोई इनडायरेक्ट एविडेंस हमें मिली। आज सुबह हम कंट्रोल में बैठे थे तो द्वारा काल आई यहाँ बागपुल से कि किसी को यहाँ लेपोट्राइट अटैक सम पर्सनल, तो उसको हम मिले यहाँ पर, हमने आज उसको देखा भी। तो उस यहाँ पर दोबारा हमने इस एरिया को स्कैन किया, जितना भी यहाँ पर एरिया जहाँ हमें प्रोबेबिलिटी लगती है कि लेपोट हो सकता है उस पूरे एरिया को हमने स्कैन किया है। यहाँ पर हमें कहीं भी किस्म का कोई पगमार्क या कोई स्कैट इसका या कोई हेयर या कोई डेड बॉडी किसी दूसरे एनिमल की जिसको इसने खाया होगा वो नहीं मिला हमें, लेकिन कुछ ब्लड स्टेन हमें यहाँ पर मिले जो इंडिकेट करता है कि इसने शायद किसी एनिमल ने किसी को अटैक किया है, किसी दूसरे एनिमल को या डॉग को अटैक किया है। तो वो दूसरा डॉग पता नहीं, उसकी डेड बॉडी हमें अभी नहीं मिली, लेकिन उस बिना पर हम कह सकते हैं शायद यहाँ मूवमेंट है, क्योंकि एक ही जगह पर हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, बल्कि 5-6 जगह से हमें ये फ़ोन कॉल आई कि हमने इसको देखा है। हमेशा हम यही मैसेज कहना चाहेंगे कि पब्लिक अननेसेसरी यहाँ न निकले। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर लेपर्ड है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई कुत्तों ने कहीं पर शोर मचाया है, तो इज नॉट आई विल एडवाइज देम नॉट टू गो एनीवेयर अननेसेसरी, या अपने बच्चों को साथ ना लाए, बच्चों को बाहर क्या काम करना होता है। दूसरी बात, हमने जहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, चाहे ये बियर की इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे लेपर्ड की इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम देखते हैं कि लोगों ने अपने इर्द गिर्द बहुत कचरा जमा किया हुआ है जो मेन अट्रैक्शन बनती है इस लेपर्ड के लिए, वो भी न करें। और अगर आपको लगता है कहीं पर है, आपके घर के इर्द गिर्द कहीं पर है, तो आपके पास कोई साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी होगी या कोई टीन वीन, उसको बजा दीजिए आप, उससे वो एनिमल भाग जाएगा। देखिए हमारे पास इस वक्त जो भी चीज़ें होती है हम साथ लाते हैं उसको, जिसमें ट्रैंक्विलाइजर हमारे पास होता है, हम डॉट देते हैं एनिमल को, अगर हमें लगता है कि डॉट दे सकते हैं इस एनिमल को, प्रोबेबिलिटी है उसको ट्रैंक्विलाइज करने की, तो हम उसको डॉट देते हैं, उसको ट्रैंक्विलाइज करते हैं, ये बेहोश हो जाता है, उसको अच्छे से रेस्क्यू कर लेते हैं। अगर हमें लगता है कि यहाँ पर लेपर्ड की मूवमेंट है, उस वक्त हम केज इंस्टॉल करते हैं वहाँ पर, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर एक ट्रैप केज हमने इंस्टॉल किया है, इसका हमने बेट भी यहाँ पर रखा है, शाम को हम इसको इंस्टॉल करेंगे, अच्छे से इस वक्त हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो अगर वो यहाँ से आएगा तो इसमें भी कैप्चर हो सकता है। इसके अलावा अगर हमें लगता है कहीं और जगह पर है जहाँ पर हमें लगता है कि नेट का यूज़ कर सकते हैं, हम वहाँ पर वो ट्रैप नेट भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि कहीं पर मूवमेंट है लेकिन दिखता नहीं है, हम ट्रैप कैमराज का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ही नहीं इन्फॉर्मेशन मिली हमें, बल्कि कल रात को 11 बजे वहीद पुरा से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद मीन वाइल कुछ मिनट के बाद हमें फतेहपुरा और गुजर से भी इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर किसने लेपर्ड को स्पॉट किया है। तो हमारा टीम रात को ही निकला, 11 बजे हम निकले और जहाँ से जितने भी एरिया थे जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली वहाँ हमने स्कैन किया, पूरे एरिया को मॉनिटर किया। उस वक्त हमें कोई इसका एविडेंस नहीं मिला, ना डायरेक्टली इसको देखा हमने, ना कोई इनडायरेक्ट एविडेंस हमें मिली। आज सुबह हम कंट्रोल में बैठे थे तो द्वारा काल आई यहाँ बागपुल से कि किसी को यहाँ लेपोट्राइट अटैक सम पर्सनल, तो उसको हम मिले यहाँ पर, हमने आज उसको देखा भी। तो उस यहाँ पर दोबारा हमने इस एरिया को स्कैन किया, जितना भी यहाँ पर एरिया जहाँ हमें प्रोबेबिलिटी लगती है कि लेपोट हो सकता है उस पूरे एरिया को हमने स्कैन किया है। यहाँ पर हमें कहीं भी किस्म का कोई पगमार्क या कोई स्कैट इसका या कोई हेयर या कोई डेड बॉडी किसी दूसरे एनिमल की जिसको इसने खाया होगा वो नहीं मिला हमें, लेकिन कुछ ब्लड स्टेन हमें यहाँ पर मिले जो इंडिकेट करता है कि इसने शायद किसी एनिमल ने किसी को अटैक किया है, किसी दूसरे एनिमल को या डॉग को अटैक किया है। तो वो दूसरा डॉग पता नहीं, उसकी डेड बॉडी हमें अभी नहीं मिली, लेकिन उस बिना पर हम कह सकते हैं शायद यहाँ मूवमेंट है, क्योंकि एक ही जगह पर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, बल्कि 5-6 जगह से हमें ये फ़ोन कॉल आई कि हमने इसको देखा है। हमेशा हम यही मैसेज कहना चाहेंगे कि पब्लिक अननेसेसरी यहाँ न निकले। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर लेपर्ड है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई कुत्तों ने कहीं पर शोर मचाया है, तो इज नॉट आई विल एडवाइज देम नॉट टू गो एनीवेयर अननेसेसरी, या अपने बच्चों को साथ ना लाए, बच्चों को बाहर क्या काम करना होता है। दूसरी बात, हमने जहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, चाहे ये बियर की इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे लेपर्ड की इन्फॉर्मेशन मिलती है,